अरे इसके ना आगे नाथ ना पीछे पगा फिर किसके लिए करवाएगा ये बीमा आपके पीछे भाभी जी तो हैं तिवारी जी अब सपोज आप सड़क के किनारे खड़े तो कुत्ता होगा बस वहीं पे आप ढेर हो गए हार्ट अटैक आ गया आपका फेलियर हो गया खत्म हो गए टै बोल गए आप जगह पर सो क्या बकवास कर रहे हैं बोले हमारे दुश्मन पॉलिसी कराने के चक्कर में इतनी मनहूसियत फैला रखी है आपने चल नहीं करानी नहीं, नहीं नहीं पॉलिसी वाली कुछ नहीं करानी हटाइए हट आई एम सॉरी आई एम रियली रियली मैं मनुष्यत की बातें कर रहा हूँ आई एम सॉरी पर देखिए ना मेरे घर में एक नन्ना मुन्ना आने वाला है उसके लिए करा लीजिए बीमा प्लीज उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर <laughs> आप उसके मामा होते हैं कि वो बड़ा हो जाएगा आपको मामा मामा पुकारेगा बोलेगा मामा जी मामा जी मामा जी और आप उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं अरे यार हमें नहीं बनना किसी का मामा 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 बनाकर हटाइए पॉलिसी पॉलिसी भैया मैं क्या बोल रहा था कोई सुंदर सी कम उम्र की लड़की देख लो मेरे लिए मैं बीमा करवा लूंगा आपसे <laughs> <laughs> मैं अपने बच्चे के लिए करूंगा मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन है आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट पापा। पूरा एपिसोड देखिए जी फाइव पर देखो कौन आए हैं तुम्हारे मामा जी आए हैं मामा मामा जी जी अपने रंजीत के लिए घोड़ा घोड़ा बनेंगे देखो और मामा जी तो अभी अपने भांजे रंजीत से मिले ही नहीं हाँ मामा जी अपने भांजे को नहीं देखेंगे हाँ चलिए चलिए अपने चली, भांजे चली, की मुंह दिखाई कीजिए चलिए चलिए ना जी नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती आप ऐसा नहीं कर सकती आपको आपको मां, मां बनने का कोई हक नहीं आप... है जी सेठ जी तूने मारा मैं अरे सेठ तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मैं डर गया इसलिए मैंने जड़ दिया अबे तो झापड़ मारने की क्या जरूरत थी बे ओ सेठ जी तुम झापड़ पर छोड़ो मुझे ये बताओ कि ये भाभी जी का क्या चक्कर है? है जब से मैं तुम्हारे पास सो रही हूं रोजाना तुम कभी भाभी जी आई लव यू भाभी जी आई मिस यू भाभी जी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं हर दिन नया डायलॉग सुनने को मिले हैं और आज भी तुम चीख के कह रहे थे भाभी जी भाभी जी चिल्ला रहे थे हैं है? ये कौन है भाभी जी कहाँ की भाभी जी कैसी भाभी जी ये चक्कर क्या है और ये तो हमें बिल्कुल पता है कि ये हर अंगूरी भाभी तो है ना तो ये भाभी जी कौन है बोलो देख देख बेटा टिल्लू कहा है कि कल ना हम तुझे तेरी जो दो साल की बकाया तनख्वाह है ना उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा दे देंगे ठीक है सेठ जी स्वीट ड्रीम सो जाओ <laughs> और पल्ले साइड में सोइयो जरा हाँ कहीं नींद में आपक हो दिया तो समझ रहा हो ना अरे जस्सी ये जो चरण सहेली की कलावती शर्मा है क्या लेडी है यार क्या लेडी क्या लिखती है मुझे मिल गई ना किसी दिन मैं तो उसके पैर छोड़ूंगी अरे क्या आइडिया दिया है मुझे असर तू असर कह रही है विभू पर गहरा असर पड़ा है अरे इतना जिम्मेदार हो गया है वो लेकिन जैसे तुझे सच बताऊं तो मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है मुझे इस बात की बहुत फिक्र हो रही है कि अगर विभू को पता चलेगा कि मैं ये सब ड्रामा कर रही थी झूठ बोल रही थी तो उसका दिल टूट जाएगा यार हाँ नहीं सही बात है उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी जरूरी था लेकिन फिर भी विल बी हर्ट ना मनोज संतोषी जी आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुंह मुझे जो बसा रहा है, वो तो थूकिए आप क्या बोल रहे हैं आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं विभूति नारायण ये तो आप गाली दे रहे हैं यार <laughs> अगर नहीं खरीदनी पॉलिसी कोई बात नहीं ले, लेकिन आप गाली तो मत दीजिए दिस इज नॉट राइट डार्लिंग ये क्या कर हो तुम यार तुम भूल जाते हो कि तुम किस कम हो Come on! अब तुम एक नहीं दो जानो तुम्हारे इस छोटे से पेट में मेरा आहुति भी है <laughs> आहुति क्या हमारे लड़के का नाम आहुति नारायण मिश्रा लेकिन आहुति तो तुम्हारे पिताजी का नाम है ना हाँ पिताजी मुझसे कहते रहते थे हमेशा कि तेरे बच्चा होगा ना उसका नाम मुझ पे रखना सो आई मीन आई हैव अ कमिटमेंट नहीं नहीं वो देखो तुम बुरा मत मानना लेकिन कहीं वो भी तुम्हारे पिताजी की तरह जंगलों में चला गया चोगा पहन के बाबा बन गया तो डोंट वरी मैं हूं ना यार आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली डोंट वरी तुम काम करो तुम प्रजा जाके आराम करो मैं तुम्हारे लिए अहोति के लिए अच्छा से किचन आके रख दूंगी थैंक यू कोई पॉलिसी बिके बिक जाए

एक रास्ता है इन से मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा हां मैंने पाप किया है मैंने चोरी की है लेकिन जिस पाप से अपनी औलाद का भविष्य बने वो पाप पाप नहीं होता मैंने कोई पाप नहीं किया है अरे आ, क्या कर रहे पाप आई मीन I mean, तुम क्या कर रहे हो डाले तुम जानती तुम हो किस हाल में इस हाल में में तुम्हें सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहिए मेरा बच्चा -पुष्ट पैदा होगा। तो रिश्त पुष्ट पैदा होगा ये हमारी खानदानी परंपरा है मैं, पैदा था, मैं कितने किलो का था दस किलो का मेरी मम्मी की आवाज बैठ गई थी क्या नहीं नहीं मुझे इतना मोटा बच्चा नहीं चाहिए मैं नहीं संभाल पाऊंगी अच्छा विभु तुम कल रात को कहा गायब हो गए थे मैं अपनी औलाद के भविष्य को रोशन करने के लिए रोशनी लेने गया था रोशनी लेने गए थे क्या रोशनी लेने गए थे यह है रोशनी

मैंने कोई गलत काम नहीं किया है अरे लेकिन विपू तो ये को कोई सवाल मत पूछो इन पैसों का संभाल कर रख दो हम अपने बच्चे का एडमिशन कानपुर के बेस्ट स्कूल में कराएंगे क्या अरे पैदा होते स्कूल में डाल दोगे क्या कभी तो जाएगा स्कूल में कभी तो जाएगा ना पैसे की जरूरत पड़ेगी और ऐसे काम में क्या कि प्लानिंग करना बड़ा जरूरी होता है पहले से देखो मैं देख रही हूं कि तुम कितने सुधर गए हो कितने जिम्मेदार हो गए बस एक बार मैं अपने आहूति का मुंह देख लूं, फिर देखना कैसे लूटपाट मीन I mean, मैं कितना सुधर जाता हूं समार कर रख दो, इतने सारे पैसे एक रात में कैसे कमा लिए इसने तिवारी जी ये सबक है आपके लिए सीख है और अपने मुलाजिम के साथ हम प्याला हम निवाला हम बिस्तर <laughs> be तो में में सच सच तिवारी जी की तिजोरी से पचास हजार रुपए चुराए भाभी जी मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ कल रात तो मुझे होश भी ना था वो कल रात मैंने जी की आधी बोतल ना चुपके से गटक गया था आंख खुली तो तब सेठ जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे चोरी हो गई चोरी हो गई सच्ची कह रहे हूं जी। जी ये तो गौर करने वाली बात हुई क्या भाभी जी यही तिवारी जी की अगर टिल्लू ने चोरी की होती तो फिर वो आपके बेडरूम में ही क्यों रुक गया <laughs> उसे तो फिर सारे पैसे लेकर चंपा हो जाना चाहिए पूरा एपिसोड देखिए सी फाइव